अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TNTV एनी टाइम न्यूज। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट कमेटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हुए तेलंगाना प्रेसिडेंट अब्दुल माजिद अत्थर ने मीडिया से बात की और उनकी गुलपोशी भी हुई। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी साहब का शेख कब्रे साहब गुलपोशी करेंगे। ऑफ तेलंगाना स्टेट्स AIMM के प्रेसिडेंट साहब के माजी साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। साहब कब्रे साहब सोशल मीडिया के टीवी चैनल के जो है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे सीनियर लीडर चर्चा है हमारे साहब का सीनियर लीडर हमारे बहुत सपोर्ट आ रहे हैं। हमारे सीनियर लीडरों के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे माशाल्लाह। और अभी हमारे भाग सिंह सेहन साहब का उसके बाद सतनाम सिंह साहब आपके साथ भी गुरुदोषी किया है। और मैं अपने हमारे शेख कब्रे साहब की मैं गुरुदोषी करता हूँ। शेख कब्रे साहब हमारे तेलंगाना गुरुदोषी करेंगे। और जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और केसीआर साहब की जो साफ हिंदुत्व चला रहे हैं पशु जो है नाजिया के साथ जो है महिला हमारे मालिक के तरफ से पार्टी में जान मामे हमारे मालिक की तरफ से पार्टी में जान हुआ कि जो फांसी है फांसी की सजा जैसा की हो सका जल्द से जल्द कोशिश करके हाईकोर्टर का तो इसका आया तो दुनिया में जीने का हक ही नहीं है इसको। इसके लिए दौलत शौहरत रंगे बेटियों ने जिंदगी खराब कर दिया किसी की। इन्हें चाहा तो 200 लड़कियों को बुला के अयाशी कर सकता था उतना पैसा इसके लिए। फिर भी इन्हें नाजायज जुलूम कर दिया है। इसके दिल में शैतानी फिरका बढ़े हुआ है। इसको हाईकोर्टर कर दो। इसको आप साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे प्रेमी बंदे हैं। कभी भी याद करते तो खुदाई में आते हैं पुराने के बाद सबको मिलाते हैं और सब जो है ना एक साथ बैठ कर के लंगर सकते हैं। हम याद करा हमारे फुरकान भाई भी इनके साथ रहते हैं। जहाँ भी इनको याद करा वहाँ वहाँ पहुँचे हैं। हम एक ही प्लेटफार्म पर आकर के सबको एक साथ जुड़ करके सबको एक साथ काम करना है। आदाब और शुक्रिया जी। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अफान है। मैं पिछले 2 साल से सोशल वर्क कर रहा हूँ कई NGOs के गार्डियनशिप में कई लीडर्स के गार्डियनशिप में और इसी तरह मैं ये वर्क करना चाह रहा हूँ अपने बड़े लोग में रहकर बड़े लोग की गार्डियनशिप में। थैंक यू। अब जो है असल मुद्दे पर आएंगे। आज का जो मुआन है ब्रिटिश को फांसी दो। We want the rules of law in India. Non-aligned judiciary, non-aligned national media and non-aligned police department. आज हमारे भारत के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हमारे भारत की बदनामी हो रही है। हर रोज पर डे 102 लेडीज का रेप होता है। पर्टिकुलरली हमारी दलित माओ बहनों के साथ तो 5000 साल से रेप और मर्डर हो रहा है लेकिन 2014 के बाद से ये इसका परसेंटेज ज्यादा हो गया है। इसी तरह से मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप तमाम हजरात का। जैसा कि 1984 में आपने देखा ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद दिल्ली के अंदर जो है एक ही रात में 7000 सिखों का मर्डर हुआ। हमारी सिख माओ बहनों का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, खत्म किया गया, जिंदा जलाया गया। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन जालिमों का आज तक सजा नहीं है। भाई मैं हमारे अब्दुल भाई माजिद भाई की तरफ से इस पार्टी में जान हुआ तो पार्टी की जो भी चीज़ की सपोर्टिंग रहेंगी इंशाल्लाह मैं मिलकर काम करूँगा। हर चीज़ में संगात में रहूँगा। कोई चीज़ की ऐसी जरूरत पड़ेगी तो आप
अब्दुल वालिद भाई बोल सकते हैं, मेरे कभी भी कोई जरूरत पड़ गई तो इंशाल्लाह कोई भी जरूरत नहीं, आप अब्दुल भाई मालिक को कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना तो बोल सकते हैं, इंशाल्लाह आप पूरी कोशिश करके पूरे बाया लेंगे, हेल्पिंग करेंगे। क्या हमारे शेख कबीर साहब और मैं हमारे AIMF के स्टेट जनरल सेक्रेटरी सैयद हुसामुद्दीन साहब सैयद मुजुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ जो यहाँ आकर अपना इंट्रोडक्शन कराएँ। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और यहाँ पे डाइस पे जितने भी हज़ार बैठे हुए हैं उल्ला का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ और मेरी तारीफ का कुछ भी नहीं है, मैं एक मामूली सी इंसान हूँ, सिर्फ आप लोगों की खिदमत करना मैं अपने आप को अपना फ़र्ज समझता हूँ, इंसान की और बदलों की खिदमत करना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं ये चाहूँगा कि जो माइनॉरिटीज़ का जो प्लेटफॉर्म सजा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला हमारे सिख भाई हमारे क्रिश्चियन भाई और मुस्लिम भाई मिलकर इंशाअल्लाह ताला इंडिया के लेवल पे हम लोग काम करेंगे। यह आज सिर्फ दिल्ली है, इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में जितने भी सिख हैं, हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम्स हैं, जितने भी क्रिश्चियंस हैं, इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम ये नहीं देखना है कि हम ये हैं हम वो हैं हम बड़े हैं हम बिजनेसमैन हैं हम ताजिर हैं, ये सब कुछ छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना है, ये हमारा फर्ज है। तो जब हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा होंगे तो हमारी कामयाबी यकीन है इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यहाँ पे इतने बड़े हजरात मौजूद हैं, मंडली स्प्रिंट की जान से जो ये सब्जेक्ट है सिल्वर रेडिश को फांसी दो, तो मैं इसके ऊपर एक यूनिट बात करूँगा। आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट और जब भी कहीं यहाँ पे रेप किया पिछले बार जो राजनगर में शिक्षा के हुआ वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी जोर शोर से बच्चों को लेकर रैलीज भी निकाले, परसों के रेप केस में भी काफ़ी ट्वीट करे उसको प्रेस रिलीज भी कराए इसके बारे में, तो रेप को रोकना हमारी हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब क्योंकि माइनॉरिटीज फ्रंट है तो इसके अंदर हर तबका इसमें जुड़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंसानियत के बुनियाद पे चाहे मुस्लिम हो सिख हो या ईसाई हो हम सबको एक साथ जुड़ना है। तो हमारा भी एक फाउंडेशन है जो काम करता है ग्रीन टुगेदर फाउंडेशन के नाम से, मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और तकरीबन तेलंगाना लेवल पे हम उसके तहत काम करते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करना सबसे बड़ा हमारा मोटिव है। उसमुद्दीन साहब को काफ़ी इसके हमारे बारे में मालूम है कि हम क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, सो वन ऑफ दी कॉज हमारा उसके अंदर ये भी फिल्मों भी चल रहा है कि जो पर्सन जो मोइनाबाद में जो केस हुआ उसके रेपिस्ट को जल्द से जल्द सजा दी जाए। थैंक यू वेरी मच।